और सप्लीमेंट्री दल के मांग को लेकर जो बातें थी कि अगली तारीख कब मिलेगी, यानी मीटिंग की जो तारीख है वो कब होगी, तो आपको हम बता दें कि 25 दिसंबर की दिन की तारीख परमिशन जो है वो बिहार सरकार पटना पुलिस प्रशासन की तरफ से मिल गई है। इसलिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, और जितने उन्होंने प्रथम फेज की बहाली को लेकर जो सप्लीमेंट्री दल के मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कई धरनाओं प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, सभी को 25 दिसंबर के दिन जो निर्धारित स्थल तय हुआ है गर्दनीबाग धरना स्थल, वहाँ पर सभी को मौजूद होना है। और निश्चित रूप से उस दिन छुट्टी का दिन है, इसके बावजूद भी हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप 25 दिसंबर के दिन भारी से भारी संख्या में, जैसा कि सबको पता है कि पिछली बार भी काफ़ी संख्या में लोग आए थे, तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा संख्या में लोग, अभी 4-5 दिन का समय है, आप पूरी तैयारी कर ले, अपने कमर कस ले, और निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री दल के मांग को लेकर निश्चित रूप से हम अपनी बातों को बुलंद करेंगे और आपके साथ की ज़रूरत है आप निश्चित रूप से आएंगे ही। अब आपको 1-to-1 बातों को आपसे शेयर करेंगे कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो आपों की स्थिति है, पटना पुलिस प्रशासन द्वारा जो उस दिन हुआ, जैसा कि साथियों पता है कि सैकड़ों छात्र, मुझे लगता है कि 500-600 के आसपास छात्र जमा हो गए थे, और छात्र स्टूडेंट आ ही रहे थे, कई लोग दूर से आ रहे थे, उत्तर प्रदेश से कई शहरों से लोग आए थे, मुरादाबाद, इलाहाबाद, बनारस, बलिया, गोरखपुर, आप समझ सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों पर आप जो बात ध्यान, खासकर बिहार के कई जिलों से, शाहबाद रेंज से, कोसी रेंज से, कोसी के सहरसा, सुपौल, मधेपुरा आदि जिलों से आने में समय लगता है, तो सारे विद्यार्थियों के मन में सवाल था कि हम लोग अगर काफ़ी संख्या में जमा होंगे तो अपनी बातों को बुलंद करेंगे, सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद कई विधायकों से भी बातचीत हुई, विधायक दल के नेता के साथ तो उनकी बातचीत हुई, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया है, और काफ़ी चीज़ें अब छात्र अभ्यर्थी के मन में जो बातें हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन 25 दिसंबर के दिन आप सभी को गांधी मैदान नहीं, अब जो है गर्दनीबाग धरना स्थल, जो पहले धरना स्थल था वहाँ पर परमिशन मिला है, तो सभी को मौजूद होना है। और आपको अपडेट बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर सरकार के तरफ से जो बातें को लोग टाल मटोल करने का प्रयास कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसके मन में कवायद जो है, उस कवायद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उस कवायद की एक तरफ से शुरुआत हो गई है, काफ़ी दबाव में BPSL शिक्षा विभाग है, और सरकार के तरफ से खासकर CPIML के कई विधायक हैं इस बात को उठा रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निश्चित रूप से आना चाहिए। तो आपको बता दें कि जो चीज़ें अभी तक है आपके मन में कि NIOS DLED वाले का क्या होगा, तो रेगुलर DLED वाले, अरे भाई ये राज्य सरकार का फैसला है, इसलिए इस बैठक में सभी को आना है। 1-to-5 कई लोग बोलते हैं सिर्फ PRT का मामला है, तो कई लोग बोलते हैं 9th-10th का मामला है, 11th-12th का मामला है, तो कंप्यूटर साइंस कई अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल है। तो सवाल का जवाब एक ही है कि सभी को, चाहे NIOS DLED वाले हों, चाहे रेगुलर DLED वाले हों, चाहे 1-to-5 वाले हों, चाहे सभी को इस पूरी संख्या में भीड़ के साथ आना है और अपनी बातों को, क्योंकि आपको सबको पता है कि सभी पदों पर जो है सीट खाली है, आप सबको पता है कि लगभग 97,000-98,000 लोगों की ही नियुक्ति हुई है, और कई जिलों से अभी भी सूचनाएँ आ रही है। आपको बता दें कि औरंगाबाद से सूचना आई, कल जो है एक जगह से और सूचना आई कि सीटें जो है वो फर्जीवाड़े तरीके से कहीं 11 छात्र, कहीं 20 छात्र पकड़ाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम, मुझे लगता है कि तमाम जिलों से अगर निष्कासित हुए छात्र हैं, असफल छात्र हैं, जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जिन्होंने नियुक्ति ली है, उनको पकड़ने का काम बिहार सरकार शिक्षा विभाग कर रही है, लेकिन उनके जो पद खाली है क्या उनको भरने की कवायद नहीं होनी चाहिए? अगर 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो क्या उस पर उनको भरने की ज़रूरत नहीं है? तो अब आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है अब आपके आंदोलन पर निर्भर है। अगर आप भारी संख्या में अपनी बातों को बुलंद करते हैं, एकजुट रहते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को झुकने पर हम लोग बाध्य करेंगे, और लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहीं से भी हिंसा की कोई बात नहीं है, हम लोग एकजुट रहेंगे और अपनी बातों को प्रेस के माध्यम से, जितने भी प्रेस के साथी हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सभी का भरपूर साथ मिल रहा है, और निश्चित रूप से हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। लड़ना हमारा काम है, जीतना हारना ये सब हम नीति का नियम है। और अगली बात है कि हम लोग क्या सिर्फ लड़ाई पर ही निर्भर है? क्या काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि अब कोर्ट की तरफ मूव किया जाए, तो कोर्ट की भी तैयारी चल रही है। सभी साथियों से आग्रह है कि आपको हम बता दें कि 4 दिन का समय है, इसलिए आपने घर पर बैठकर जो भी डॉक्यूमेंट है, जो कहा जा रहा है कि आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, TRE1 का स्कोर कार्ड, और CTET DLED ISTET जो सर्टिफिकेट है, ये सब सर्टिफिकेट मेरे नंबर पर भेजें, और आगे की जो चीज़ें होंगी उसके चलते हम पहले ही तैयारी कर लें,
लेकिन मेन फोकस जो है वो प्रोटेस्ट पर है। प्रोटेस्ट 25 दिसंबर के दिन तय हुआ है, यानी गर्दनीबाग धरना स्थल पर सारे छात्र मौजूद होंगे और अपनी बातों को बुलंद रखेंगे। अगली हम अपडेट आपको देंगे कि आगे क्या होगा। इतना जरूर है कि अब BPSC और शिक्षा विभाग जो है, आप समझ सकते हैं कि जब गांधी मैदान में बैठक बुलाए उस पर भी रोक लगाने का ये लोग प्रयास किया, तो आप समझ लीजिए कि क्या चीज़ें हैं। अभी भी जो पद खाली है, लगभग 23,000 से ज़्यादा पद खाली है, सभी सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, इन्हीं सब मांग को लेकर हम लोग परमिशन ले रहे हैं। आज कई छात्र फिर जाएंगे गर्दनीबाग थाना में वो अप्लीकेशन देने, परमिशन मिल चुका है। आपको बस अपने साथ अपने लोगों को और सब लोगों को सूचित करें कि 25 दिसंबर 2023 गर्दनीबाग धरना स्थल पर आपको आना है। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।